अम्मी मुझे लेकर वहां इसी आस पे बैठी रही कि शायद शायद अब्बू कभी आ जाए, लेकिन अब्बू तो कभी ना आए। मैं बड़ी होती चली गई। ये ले गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। तो फिर बताएं आज हम क्या पेंट करेंगे? तुम जानती हो हम ब्रश उठाकर जो भी रंग कैनवस पर बिखेरते हैं ना, वो सिर्फ रंग नहीं होते, वो होता है हमारा गुस्सा, खुशी, गम, डिप्रेशन, इन सारी चीजों का अक्स होता है। अच्छा खैर ये छोड़ो, आज एक बात बताओ मुझे। जी। इतनी उदास उदास क्यों लगती हो तुम? मैं नहीं तो तुम्हें पता है मेरी अम्मी ने बताया कि हम बहुत गरीब हुआ करते थे, एक छोटे से मोहल्ले में छोटे से घर में रहते थे, अब्बू के पास कोई अच्छी नौकरी भी नहीं थी, और अब्बू को जब पता चला कि मैं पैदा होने वाली हूं तो अब्बू ने अम्मी से बहुत झगड़ा किया, उनको बहुत मारा। ये तो मेरी अम्मी का हौसला था कि उन्होंने मुझे जिंदगी दी। बदकिस्मती से जब मैं पैदा होने वाली थी तो डॉक्टर्स ने बताया मैं कभी चल नहीं सकूंगी, और ये बात सुनकर अब्बू मुझे हॉस्पिटल से बिना देखे ही चले गए। हमारे पास हॉस्पिटल का बिल देने के लिए पैसे भी नहीं थे। अम्मी उनका इंतजार करती रही। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बावजूद भी अम्मी मुझे 2 दिन तक हॉस्पिटल के सहन में लेके बैठी रही कि शायद शायद अब्बू आ जाए। तो फिर आया आपके अब्बू वापस? नहीं, अब्बू तो ना आए। हाँ लेकिन उसी रोज हॉस्पिटल की ओनर का विजिट हुआ, उन्होंने अम्मी को देखा और हमारी बहुत मदद की, उन्होंने हमारे सारे बिल क्लियर किए, और 2 महीने का रेस्ट करने के बाद अम्मी को उसी हॉस्पिटल में जॉब दिलवाई। तो आप लोग हॉस्पिटल में ही रहते थे? अम्मी के पास नाना मरहूम के एक छोटे से कमरे की चाबी थी। अम्मी मुझे लेकर वहां इसी आस पे बैठी रही कि शायद शायद अब्बू कभी आ जाए, लेकिन अब्बू तो कभी ना आए। मैं बड़ी होती चली गई। इस हाल में आपकी अम्मी आपको अकेले छोड़ के जॉब पे कैसे जाती थी? मतलब आपके साथ आपके कोई रिश्तेदार होते थे जो आपको संभालते थे? थे कुछ रिश्तेदार, लेकिन जानती हो ऐसा जब सर की छत मजबूत रखने को पेट भर की रोटी ना हो ना, तो अपने भी पराए हो जाते हैं। अम्मी मुझे अपने साथ लेके जाती थी, फिर हॉस्पिटल के साथ ही एक बहुत अच्छा स्कूल होता था, मेरा वहां पर एडमिशन करवाया और मैं पढ़ाई करती गई और अम्मी काम करती गई। अम्मी ओवर टाइम लगा के बहुत मेहनत करती रही। तुम जानती हो उनका उनका मकसद सिर्फ एक था कि मैं
जिंदगी में अपने पांवों पे तो नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन कुछ बन जाऊं। वो तो मुझे कहानियां भी ऐसी सुनाती थी जिससे मुझे बहुत हौसला मिलता था, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। अम्मी ने रात दिन बहुत मेहनत की और मैंने पढ़ाई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, स्कॉलरशिप ली। अम्मी तो आपकी बहुत खुश हो गई होंगी। बदकिस्मती से मैं जब सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम्स दे रही थी तो अम्मी मुझे छोड़ के चली गई। फिर आपने क्या किया, मतलब आप अकेले कैसे यहाँ तक? छोटी मोटी पेंटिंग्स तो मैं बनाती रहती थी। फिर यूनिवर्सिटी में मैंने एक दिन बड़े कैनवास पर बहुत प्यारी पेंटिंग बनाई। फिर लोगों को मेरी पेंटिंग्स पसंद आने लगी और फिर मेरी पेंटिंग्स बहुत अच्छे अमाउंट में बिकने लगी, बाहर से ऑर्डर्स आने लगे। इस तरीके से मैं वहां तो पहुंच गई जहां मुझे मेरी अम्मी देखना चाहती थी। तुम जानती हो मैं कभी उदास नहीं होती, क्योंकि मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। खुदा का मुझ पर बहुत करम है, क्योंकि मुझे लोग हमदर्दी से नहीं बल्कि रश्क से देखते हैं। काश काश हर लड़की आपकी तरह बहादुर हो। होना भी चाहिए, तुम्हें भी होना चाहिए। तुम जानती हो मैंने अपनी जिंदगी के गुजारे हुए सारे हालात कभी किसी को नहीं बताए। तुम पहली बंदी हो जिससे मैंने ये सब कुछ शेयर किया। हमें जिंदगी में बहुत से हालात का सामना करना पड़ता है। अकलमंदी इसी में होती है कि हम खुद को मजबूत रखें और हमेशा स्ट्रांग रहें। तुम जानती हो आयजा, ये आंसू ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं और सारी दुनिया इन आंसुओं का फायदा उठाती है। आगे बताओ। मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी से पहले अमेरिका में पहले एक शादी की हुई थी। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।